केंद्र सरकार के एक गजट नोटिफिकेशन 5 जून को अक्षरशः अनुपालन करके मंडी परिषद के निर्देश से मंडी व्यापार करने वाले दुकानदारों को मंडी शुल्क 2.5% तो देना पड़ेगा, लेकिन मंडी के बाहर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वैसे ये राहत किसानों के लिए तो लाभकर होगी, किंतु मंडी शुल्क अन्यत्र जगह पर स्टोर किए जाने पर लागू न होने की दशा में मंडी के ही कई आढ़तियों ने अपने माल को मंडी के बाहर गोदामों में ही रखना चालू कर दिया है और माल पर लगने वाला 2.5% मंडी शुल्क को बचाने लगे हैं। इससे मंडी में आवक कम हो गई है, लेकिन इसका फायदा आम जन को नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए महिवा मंडी परिषद के सचिव सेवा राम वर्मा ने कहा, ये भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 5 जून को जारी किया है। मंडी परिषद मुख्यालय से ये निर्देश जारी हुए हैं कि भारत सरकार का जो राजपत्र है उसका अनुपालन किया जाए, जिसके अंतर्गत मंडी कैंपस में ही मंडी शुल्क लगेगा। मंडी परिसर के बाहर कहीं भी कोई भी कारोबार होगा उस पर किसी प्रकार का मंडी शुल्क या कोई कर नहीं लगाया जाएगा। इससे व्यापारियों में एक के सामने एक परेशानी जरूर खड़ी हुई है कि मंडी परिसर के बाहर कोई शुल्क नहीं है, वही मंडी यार्ड में 2.5% उनको मंडी शुल्क देना पड़ रहा मंडी परिसर में। तो ये असमानता होने के कारण मंडी परिसर में व्यापार करने में व्यापारियों को बड़ी सुविधा हो रही है, क्योंकि 2.5% टैक्स बहुत होता उतना उनका माल उतना महंगा पड़ रहा है, और वही ठीक मंडी यार्ड के बाहर चाहे सड़क पर ही कोई बेचता है तो उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिससे ये प्रबल संभावना है कि मंडी यार्ड का व्यापार खत्म हो जाएगा। ढेर सारे व्यापारियों ने इसी असमानता को देखते हुए बाहर अपने गोडाउन ले रखे हैं, अब जो माल मंगवा रहे हैं मंडी यार्ड में ना मंगवा कर अपने गोडाउन में रख रहे हैं।